फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि दूध में से पराठे जैसी मोटी मलाई किस तरीके से बनाई जाती है, क्या इसका प्रोसेस होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सारी बातें बताऊंगी, लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल वन इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस करें नई वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले दूध का भगोना जो है आपको अच्छे तरीके से साफ कर लेना है, और उस दूध के भगोने को आपको जो है एक या दो चम्मच पानी से वो निकाल लेना है, यानी कि आपको दूध का भगोना जो है पानी से हल्का गीला कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए, जिस तरीके से मैंने किया है, दो चम्मच डाल के इसका तलवा जो है आपको भिगा देना है, और इस तरीके से दूध जो है आपका नीचे नहीं लगता है जब गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे मैं 1 किलो दूध से मोटी मलाई बनाना आपको बता रही हूँ। तो दूध को अच्छे से मैंने छान लिया है, छानना बहुत जरूरी है दूध को। और इसके बाद मैं गैस को कर लेती हूँ ऑन, और इसमें हम ये दूध को जो है उबालने के लिए रख लेते हैं। तो आपको दूध को मीडियम फ्लेम पे जो है गर्म करना है, और उसके बाद आपको फ्लेम कर लेनी है कम, जब आपका दूध उबलने लगे। और कम आंच पे ही आपको दूध को जो है गर्म करना चाहिए। इससे क्या होता है कि दूध आपका अच्छे तरीके से पक भी जाता है और दूध गिरता भी नहीं है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि दूध गर्म होने लग गया है और इसमें उबाल आने वाला है, लेकिन दूध कम फ्लेम पे भी गिरता है। तो इसके लिए आपको एक टिप मैं यहाँ पे दे रही हूँ कि आपके पास अगर लकड़ी की कलछी है तो आप उसका यूज करिए। आप दूध के भगोने के ऊपर इसको रखेंगे तो आपका जो उबाल देता हुआ दूध है वो कभी भी गिरेगा नहीं। तो ये बहुत ही खास टिप मैं यहाँ पे आप लोगों को दे रही हूँ। तो देखिए, इस तरीके से मैंने ये जो लकड़ी की कलछी है इसको यहाँ पे रखा है, और इस तरीके से इसको अगर आप फ्लेम थोड़ी सी हाई भी कर देंगे और दूध आपका उबलता भी है तो भी ये गिरता नहीं है। तो इस तरीके से आप भी ये कलछी जो है अपने यूज में लाइए। और इसके बाद दूध को हल्की फ्लेम पर आपको रखना है, 5 से लेकर 10 मिनट तक आप इसे अच्छे से उबाल दीजिए। जितना अच्छा दूध आपका उबलेगा उतना ही ज्यादा उसमें मलाई अच्छी जमती है। तो यहाँ पे ये फ्लेम मैंने कर दिया है ऑफ, और इसके ऊपर रख देंगे हल्की सी छन्नी। इसको बिल्कुल ढकना नहीं है, हल्की छन्नी रखिए और इसे ठंडा होने दीजिए। और इसके बाद देखिए, जैसा कि ये दूध हो गया ठंडा और मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी। तो आपको इसको कम से कम 6 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। आप चाहें तो इसमें छन्नी लगा सकते हैं, दूध को ढक के ना रखिए। तो ये दूध जो है 6 घंटे बाद मैं बाहर निकाल रही हूँ। तो इस तरीके से दूध को आपको बिना हिलाए बाहर निकाल लेना है। ये चम्मच की मदद से मैं इसको साइड साइड से निकाल लेती हूँ ताकि जो मलाई है हमारी अच्छे से निकल सके। और ये देखिए दोस्तों, दूध में से मलाई निकल चुकी है और बिल्कुल पराठे जैसी आकार में, और इतनी मोटी मलाई इसमें से निकली है। तो देखिए दोस्तों, कितनी मोटी मलाई यहाँ पे लगी है। और इस तरीके से आप भी दूध में से मलाई निकाल सकते हैं, इसी तरीके से काफी मोटी मलाई यहाँ पे लग जाती है। तो अगर आप भी ये प्रोसेस फॉलो करते हैं तो इस तरीके से आप भी अच्छी खासी मोटी मलाई पराठे जैसी आप घर पे ही निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी का निशान जरूर दबाइएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।